अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट आपका दोस्त अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि एपिसोड नंबर 1 आई थी हरनाबाद की, हरनाबाद के बारे में मैं बताता चलूँ कि हरनाबाद जनूबी पंजाब के एक इलाका बहावल नगर, उसकी तहसील हरनाबाद है जो कि इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। वो हरनाबाद का पुराना नाम बदरोंवाल है। तो हरनाबाद खाने के अलावा पंजाब में सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट की हैसियत रखता है। तो एज ए फूड व्लॉगर मैंने अपने इलाके को एक्सप्लोर किया, आपके सामने लेके आया एपिसोड नंबर 1। अब एपिसोड नंबर 2 है। अगर किसी ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखी तो इधर मैं लगा दूंगा लिंक, तो आप उसको क्लिक करके एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। अगर एपिसोड नंबर 2 देखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको वीडियो के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, आपका होस्ट आपका दोस्त अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है एपिसोड नंबर 2 के साथ। पहले एपिसोड नंबर 1 बनाई थी हरनाबाद फूड स्ट्रीट की, अब एपिसोड नंबर 2 बना रहे हैं। तो आज फिर मैं अपने कजन्स के साथ मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह आज अब जो कुछ हरनाबाद का रह चुका है उसको हम डिस्कवर करेंगे। फूड रिव्यू तो नहीं होगा क्योंकि टेस्ट कर चुके हैं हम। तो इस दफ़ा आपको बताएंगे बेस्ट चीज़ें कौन सी हरनाबाद की। तो मैं अपने कज़न्स के साथ आया हुआ हूँ। तो मेरे साथ मेरे कज़न हैं असद, क्या करते हो? मैं GTA 5 आरपी खेलता। ये GTA 5 आरपी खेलते हैं, क्या नेम है उस पर आपका? Anonymous नेम है, नोनी कहते हैं इसे। और ये आप जानते होंगे पाकिस्तान गेमिंग लॉबी वाले, तो इसके चैनल का मैंने लिंक दे दिया था, तो आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो ये हैं अली, ये भी मेरे कज़न है, बिजनेसमैन, बहुत अच्छे टिकटॉकर, बहुत ज़बरदस्त टिकटॉक होती है इनकी, लाजमी देखना इनकी। और ये फ्लैश दादा फिर आ चुके हैं हमारे साथ, फूडी पर्सन और हमेशा के साथ हमारे साथ फूड व्लॉग बनाने वाले। तो ये थे हमारे मेंबर्स। तो हम बनाते हैं अब फूड व्लॉग अपना एपिसोड नंबर 2। तो इंशाल्लाह ये भी मज़ेदार बनेगी, पूरी वीडियो देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और लाइक भी करना। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब हम आए हैं मीदे के पास, मीदे के दही भल्ले खाने। तो मीदे के दही भल्ले हरनाबाद में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो उसका वो टेक्सचर होता है, जो मसाले डालता है, वो चटनी डालता है और उसके साथ शामी जो देता है, मज़े की होती है। चले ट्राई करते हैं दे के दही भल्ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक ठाक है। ये देख सकते हैं आप दही भल्ले, समोसे और शामी वगैरह। आ चुके हैं, तो इसमें ये देखें आप दही डाला हुआ है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही शामी है, जो कि सॉफ्ट नरम और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मैं तो हमेशा खाता होता हूँ इसे। तो आओ आपको दिखाते हैं खा के। शामी ट्राई करते हैं साहब। मज़ेदार, एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कर लो। जो आउटसाइडर हैं वो लाजमी आए इधर मीदे के दही भल्ले फवारा चौक में, लाजमी है। तो मीदे के दही भल्ले खाने के बाद हम फिर गए अल मशहूर कसूरी फलूदे वाले के पास, जो कि हरनाबाद में सबसे मशहूर है। तो आओ चलते हैं इधर ही, सुनोगे क्या? तो फलूदा हमारे पास आ चुका है। इसमें इन्होंने खोया डाला हुआ है, खोए की लेयर डाली है उसके ऊपर, फिर शीरा डाला हुआ है उसके ऊपर, तो लंगा डालते हैं, ऐसे लेयर बन जाती है इसकी, और उसके ऊपर आइस डालते हैं क्रिस्पी हुई।
रहा है, ठंडा ठंडा प्योर खोए, जैसे लग रहा है जैसे खोया खा रहे हैं। तो ये फवारा चौक में है, तो अब कसूरी मशहूर सुविधा जरूर ट्राई करें। इतने शोर में भी ब्लॉग करना चैलेंज से कम नहीं है। तो ये सब खाने के बाद फिर मैंने एक हांडी ट्राई की, जो कि एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ था हरुणाबाद में, तो उसको मैंने ट्राई किया। तो हांडी तो बिल्कुल वैसे ही सेम जैसे नॉर्मल हांडी होती है वो थी, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ का टेक्सचर था और गार्लिक नान का कॉम्बिनेशन ऊपर से, यार रिव्यू चेक करो इसका। अच्छा, तो हमने अपनी मद्रासी कढ़ाई करवाई है और उसके साथ गार्लिक नान करवाए हैं। तो सबसे पहले बताते चलूँ, गार्लिक नान नान जैसा होता है, उसके ऊपर गार्लिक लगाते हैं, वो फिर तंदूर में वो बनाते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। तो ये मद्रासी हांडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मद्रासी हांडी में बताता चलूँ कि हांडी वही होती है, बोनलेस जो चिकन होता है उसकी हांडी बनी होती है। तो उसके ऊपर चीज़ डाला हुआ है इन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। स्पेशली मैं उनके लिए रिकमेंडेड करूँगा जो चीज़ लवर है, आपका भाई तो सबसे ज़्यादा चीज़ लवर है, तो आपके भाई ने स्पेशली ये करवाई है। तो इन्होंने बोनलेस हांडी के ऊपर जो चीज़ डाला हुआ है तो बहुत मज़ेदार सी बनाई हुई है, इसको ट्राई करते हैं फिर। नान को तोड़ते हैं, बहुत सॉफ्ट सा नान है ये देखें, फिर हांडी के साथ ट्राई करते हैं। ये चीज़ ही चीज़ ऊपर आया हुआ है, गार्लिक नान ऊपर से चीज़ का कॉम्बिनेशन मज़ेदार। अब चिकन के साथ ट्राई करते हैं, चिकन गार्लिक नान और ऊपर से चीज़, बेस्ट कॉम्बो, मस्ट ट्राई। अच्छा, तो अब मीठे का टाइम हो चुका है, तो मीठे में हमने खादों की बर्फ़ी करवाई है। तो हरुणाबाद की सबसे मशहूर बर्फ़ी है, ये बर्फ़ी प्योर खोए से बनी होती है। तो ये बेसिकली फैसल बाज़ार हरुणाबाद में है लोकेटेड, और इसने बिल्कुल स्लाइस किए होते हैं, तो उसको फिर छोटे छोटे पीसीज में करता है और फिर पैक करके देता है। तो इसे ट्राई करते हैं, मेरे पास है ये देखें, बहुत सॉफ्ट ही लग रही है और नरम, बिल्कुल नरम। तो इसे ट्राई करते हैं, मज़ेदार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खोया खा रहा हूँ। तो हाईली रिकमेंडेड है फैसल बाज़ार हरुणाबाद। तो हमने फिर रहने के बाद हम आए हैं बिल्लू की टिक्के खाने। तो ये बेसिक उमर फरूख चौक से सीधा आए, तो बिल्लू की टिक्के राइट साइड पे लगी हुई है शॉप, बड़ी मजे के टिक्के होते हैं। तो आओ चलते हैं, ट्राई करते हैं फिर। चलो, हमारे पास आ चुका है नान, हमें टिक्के करवाए हैं और ये देखिए पीस करवाए इनके और ये सीख कबाब करवाए हैं। तो बेसिकली ये टिक्के जो दिखने में तो वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल टिक्के होते हैं, तो इसको ट्राई करते हैं, मज़ेदार से लग रहे हैं, तो इसको रायते के साथ ट्राई करते हैं तो फिर देखते हैं। कसम से मसाले से भरा हुआ है, जूसी, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिए। और कभी देखिए ना ट्राई करते, देखिए ना ये होता है कि हमने तेल में रखा होता है, स्टीम देते हैं, उसके बाद फिर वो कोयलों पे गर्म करते हैं, फिर मज़ेदार सा मसाले से भरा हुआ, मसाला तो आदमी लगाते हैं इनमें, तो एक टिक्के को मसाले के साथ करते हैं ट्राई, रायते के साथ। So
टाइम मिल जाऊंगा। अच्छा जी, तो बिल्लू के टिक्के खाने के बाद, बिल्लू के टिक्के इतने जबरदस्त थे, स्पाइसी थे, एक दफा तो आप लाजमी ट्राई करें। उसके बाद हम आए हैं कुछ मीठा खाने, तो बेसिकली हम आए हैं गोला गंडा खाने। तो गोला गंडा बेसिकली क्रश करके आइस और उसको बनाया जाता है, तो उसके ऊपर मीठी चटनी वगैरह जो होता है उसका जूस वगैरह तो डालते हैं, तो उसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा मीठा तो बनता है ना। फिर चले आइस चलते हैं। मटीरियल से तो जिसको बर्फ होती है उसको क्रश करके बनाया जाता है, तो इसके ऊपर मुरब्बा डाला हुआ है इन्होंने, तो ये नारियल क्रश करके डाला हुआ है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो आपका भाई पहुंच चुका है बंगला रोड, लाइव ट्रांसमिशन फ्रॉम बंगला रोड सज्जी खाने के लिए। तो इनकी सज्जी बहुत मशहूर है, हुसामाबाद में एक ही सज्जी वाला है, तो इनकी सज्जी खाते हैं। चले आए, मसाले लगा के मज़ेदार सी बनाते हैं, तो चलो खाते हैं। तो हमने अपना ऑर्डर करवाया था, तो डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम इधर अपने घर ले आए हैं सब्जी को। तो फिर हम सब्जी खाते हैं, फुल मसाले से भरी हुई है, चाइस वाली सब्जी करवाई थी, तो फिर हम खाते हैं मसालों से भरे। इसके राइस भी मसालों से भरे हुए हैं, तो इसके साथ दो सॉसेज दी हुई हैं, एक इमली वाली सॉस है और एक दही है साथ, तो इसको ट्राई करते, पहले राइस को ट्राई करते हैं। राइस है मसालेदार, स्पाइसी, और वैसे ही आपके भाई स्पाइसी बिल्कुल बहुत पसंद है, तो इसके साथ हम करते हैं मसाले से भरी हुई सब्जी। देखिए कितनी सॉफ्ट सी लग रही है, तो इसको फ्लेमली और रायते के साथ बिल्कुल ट्राई। मज़ेदार जूसी और स्पाइसी भी। एक ही शॉप है फरनाबाद में, तो उसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूंगा, फर्स्ट ट्राई। अब इसको दही के साथ ट्राई करते हैं। तो ये था मेरा एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो मैं दोबारा लिंक लगा दूंगा, तो एपिसोड नंबर 1 ज़रूर देखें। एपिसोड नंबर 2 आपकी खिदमत में हाजिर किया मैंने, तो ये स्पेशली मैं थैंक्स उनको कहूँगा जो मेरे कज़न मेरे साथ जो पार्टनर मेरे आए थे, क्योंकि अकेले बंदे से फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर कभी भी नहीं हो सकती, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये फ्रेंड्स हों या कज़न्स हों, कोई फैमिली मेम्बर हो, तो उसके साथ मिलके ये चीज़ होती है। तो स्पेशली थैंक्स कहूँगा मैं अपने कज़न्स को जो मेरे साथ आए, तो व्लॉग को कामयाब बनाया। तो आपके होस्ट को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, और भी फूड स्ट्रीट व्यूज़ आएंगे, लाहौर जाएंगे, फैसलाबाद का एक्सप्लोर करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत से व्लॉग आ रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर चैनल को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।